चीज का किया जाएगा, टूरिज्म करवाना है तो रायशुमारी करवा दो। रायशुमारी के बाद जितने भी कश्मीर के, कश्मीर की अपना हुकूमत ने जितने उन्होंने G20 का टूरिज्म का कॉन्फ्रेंसेस रखने हैं, हम खुद उधर जाएंगे। अगर अमन में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार रुकावट है। अगर दहशतगर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार वो रुकावट। 90,000 फौजियों की मौजूदगी में सियाहत कॉन्फ्रेंस ड्रामा, अम की राह में रुकावट और असल दहशतगर्दी मोदी है। कातिल और कसाई कहता हूं तो भारत रोना शुरू कर देता है। अक्वामे मुत्तहदा करारदादों पर अमल करवाए, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बाग में खिताब। सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, शीरी मजारी ने पार्टी छोड़ने और सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। 9 और 10 मई के वाकयात की मजम्मत, फयाजुल हसन चौहान ने भी खैराबाद कह दिया। पंजाब के साबिक वजीर कहते हैं रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं। मैं तो PTI में खड्डे लाइन और जमान पार्क में मेरा दाखिला बंद था। PTI कराची की भी मजीद विकटें गिर गईं। MPA राजा अजहर और बिलाल गफ्फार ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इमरान खान की ATC में पेशी, दहशतगर्दी के आज मुकदमात में उबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी। नैब की साबिक वजीर आजम से पूछगछ, अलकादीन यूनिवर्सिटी को मिलने वाले अतियात का रिकॉर्ड तल्ब। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत, एहतसाब अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। मर्दम शुमारी में कम गिनना बदनियाने थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सूबे को धरती मार नहीं मानते, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध को आधा भी शुमार नहीं किया गया, जिद्दोजहद का आगाज कर दिया गया। वजीर आला सिंध का सूबे को ड्रग फ्री बनाने का अजम, मंगोपीर में बेनजीर शहीद मॉडल एडिक्ट ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वजीर शाहजैन बुख्ती ने भी कहते हैं मजीद सेंटर भी जल्द खोले जाएंगे। मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत मनंशियात के आदि अफराद के इलाज के लिए हर सतह पर तआवुन करेगी। दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, किसी UC चेयरमैन को नहीं। मलीर के मुख्तलिफ इलाके मनंशियात फरोशों की जन्नत, कायदाबाद पुल के नीचे और कब्रिस्तान में जहाजों के डेरे, पुलिस खामोश तमाशाई। स्ट्रीट क्राइम पुराना इशू, IG गुलाम नबी मेमन कहते हैं SHOs को कोताही पर हटा दिया जाता है। SHOs से कहा है कि जुराइम को कम करने के लिए FIR दर्ज ना करना दुरुस्त नहीं। मलीर मॉडल कॉलोनी के बैंक में फ्रॉड की कोशिश नाकाम, शहरियों ने मुबैना मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कलदम BLA के सरबरा ने मुसल्ला जदोजहद को गलत करार दे दिया। गुलजार इमाम शंबे का कहना है कि उम्मीद है रियासत माह का किरदार अदा करते हुए असलाह का मौका देगी। मुसल्ला जदोजहद में शामिल बलोच बाशिंदे लड़ाई के बजाय वापसी का रास्ता इख्तियार करें। हुकूक की जंग सिर्फ आईनी और सियासी तरीके से मुमकिन है।
अंगो में मोल गैस कंपनी प्लांट पर दहशतगर्दों का हमला, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के 4 अहलकार और 2 निजी सिक्योरिटी गार्ड शहीद। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 25 मई को स्कूल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। बोर्ड इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कौमी हीरो को कौम का सलाम, पाक फिजाइया का 1965 की जंग के हीरो फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस हुसैन शहीद को खराज अकीदत पेश। अस्सलाम वालेकुम, K21 न्यूज के साथ मैं हूं वरीशा खान।